पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ई रिक्शा चालकों ने शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। चालकों ने निगम द्वारा दिए गए रिक्शों को अब अवैध बताने पर नाराजगी जाहिर की है। उनका आरोप था कि निगम ने मुख्यमंत्री के आह्वान पर पिछले दिनों पैर रिक्शा वालों को ई रिक्शा का वितरण किया गया था। ई रिक्शा पर परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इनकी बहुत ज्यादा संख्या हो जाने के चलते महानगर का यातायात प्रभावित हो रहा है। शहर में इनके कारण जगह जगह जाम लगने की शिकायतें आती रहती हैं। पिछले दिनों ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल किया गया, उसके बाद पहले से बिना चिचिस नंबर के चल रहे सभी ई रिक्शा अवैध हो गए। नगर निगम पर धरना प्रदर्शन कर शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष हाजी इकबाल ने अपर नगर आयुक्त को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से महानगर में पैर रिक्शा चलाने वालों को ई रिक्शा दिए गए थे, उनसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि निगम की ओर से ऐसे ई रिक्शा क्यों दिए जिनकी चेचिस नंबर नहीं थी। निगम अफसरों को अवैध ई रिक्शा वापस लेकर चेचिस नंबर वाले वैध रिक्शा दिलाने चाहिए। अब गरीब रिक्शा वाला 2 लाख रुपए कहां से लाए। अपर नगर आयुक्त SP श्रीवास्तव ने ज्ञापन को नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाने का भरोसा दिया। प्रदर्शन करने वालों में विक्रम सिंह, महावीर प्रसाद मौर्य, मनोज कुमार, अमर सिंह, साजिद, वकार अहमद और फरीद अकरम आदि लोग मौजूद थे। मेयर भाजपा के हैं, कहीं उनका रोल राष्ट्रीय अभियान से जुड़े क्या कहें तो सर, जो करप्शन है आपने बिल्कुल नाराबाजी। आज की तारीख में नगर निगम नगारे मतलब नगराई में जो विनोद कारोबार है, जिस मानक के आधार पर उनको चुना था वो खारिज हुआ है। उन्हें चाहिए कि रिजाइन करके अपना कारोबार करें, जब इसके लिए टाइम महानगर के लिए टाइम नहीं है। इसी पर स्मार्ट सिटी के लिए जब स्मार्ट सिटी कोई चीज नहीं है, स्मार्ट सिटी तो ऑलरेडी कुदरत ने दी है। स्मार्ट सिटी तो ऑलरेडी कुदरत ने दी है। स्मार्ट सिटी तो एक धोखा है, हमें रोजगार चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।